अस्सलामुअलैकुम कसौटिया ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, FSJ शकील चौधरी साहब, बब्बू राणा, असद कैफी और डेमी म्यूजियम से आए एक अफगानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप बेखबर है मामलात से, आपका सारा ध्यान कसौटियों पे आप मिल के सारे तोड़ रहे। ये तहरीक का जो ऐलान कर दिया है इसका पता है? हाँ जी, तहरीक का ऐलान अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है, हो जाना है। तो मुझे मेरा दोस्त बोल रहा था कि मामला शुरू हो गया है ईद के बाद, वो सारे मामला खास साहब ईद के बाद है। अच्छा, तो आप जा रहे हो, उसमें झंडा वंडा होगा हाथ में आपके? अगर जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी तो वही काम कर रहा हूँ, आप जैसों को भेजने वालों में से मैं हूँ ना। हाँ सब की प्रॉब्लम, तुझे दो मिनट चुप हो जाओ, खुदा दा वास्ता यार। एक क्या फोरम रल गया वे, एक दो तीन यार इन्हें रल के कसौटी दी ओ मत मारनी हूँ। नहीं यार, गुज़श्ता कसौटी में हमें मार पड़ी है, पड़ी है हमें, ये वाला ही नहीं बुझा गया हमसे। बिली बाउडन, मैं 15 सवालों के हक च नहीं सर। अच्छा जी, आज भी 15 सवाल है? जी आज भी 15 है। चलिए, लेकिन हम इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम इसको मजीद नीचे करेंगे, 10 सवाल करेंगे। वैसे तो वो भी कर सकते हैं, पर इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पहले चैलेंजर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुहैब। जुहैब साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? भावलपुर से। आप भावलपुर से आए हैं? जी सर। वेलकम टू द शो। जी जुहैब साहब, शख्सियत मर्द? नहीं, औरत। नहीं, वेरी गुड, जेंडर बैलेंस। देखो एकदम आसान हो जाता है काम, और इसी वजह से खवातीन पूछी नहीं जाती। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से। पाकिस्तान से? जी सर। शोबे पे आ जाए या पीरियड पे आ जाए, या शोबे पे आ जाए ज्यादा बेहतर। शकील साहब। जुहैब साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? ज्यादा नहीं है। 1972 के बाद खातून, ताल्लुक 72 के बाद उनके वफात हुई है, और सियासत और हुकूमत शोबा पे आ की तो गिनी चुनी खबर। हाँ, गिनी चुनी है। इल्म व फजल हो सकता है, शोबे हो सकता है। बिल्कुल। जुहैब साहब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं। इल्म व फजल से? नहीं। शोबे? शोबे। शोबे से ताल्लुक है? नहीं। नहीं, स्पोर्ट्स महकमा तो और कोई इल्म फजल से नहीं है, इसलिए मैं परवीन शाकिर भी नहीं हूँ। हाँ, परवीन शाकिर नहीं। और इल्म फजल से वो कह रहे हैं ही नहीं, नहीं। और स्पोर्ट्स से ताल्लुक है भैया? नहीं। नहीं, लाहौर से भी नहीं। कितने सवाल हो गए? 10 यार, 15 सवाल बहुत कम है भाई। सर, 3 जायंट्स बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, बाकी 20 करें। नहीं, नहीं, जो कह दिया है सो कह दिया, फिर बाद में कर लीजिएगा ना अगली पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी तो 15 में, वरना हाथ खड़े कर ले। ओके, मुसवरी कौन? पेंटर आपके जहन में कौन? एना मोल्का अहमद? नहीं, एक तो एना मोल्का अहमद है, फिर वो लैला शहजादा, और वो भी है, फिर एक आतिफ, अंबरीन आतिफ के महरीन आतिफ, वेरी गुड पेंटर, जिन्होंने रूमी को पेंट किया है, मेरे पास उनकी गोल्ड में लाइन है। आर्टिस्ट क्यों जी, पेंटर है कोई? नहीं। लो, पेंटर भी नहीं। वफात हो चुकी है, वफात हो चुकी है, पिछले 50 को कितनी देर हुई, ये भी नहीं 1972 के बाद करीब से भी नहीं। वर्कर मरियन, क्या नाम है उसका, वो भी हैं, उसके बाद मरियन मैरी एडलेड भी हैं। रिसेंटली बिल्किस ईदी डाइड, हमने बिल्किस ईदी, या बिल्किस, यस दैट कुड बी ट्रिकी। बिल्किस ईदी भी हो सकता है, ताल्लुक कराची से ये पूछा जा सकता है। ये तो सारी कराची से ज्यादातर, ये डेथ का पीरियड जो है ना ये है। अच्छा, विद इन 50 इयर्स तो है, विद इन 10 इयर्स करें, 5 इयर्स, विद इन 1 ईयर। ये तो अभी वो तो परसों शी डाइड अ फ्यू डेज अगो, की बात है। हां, अ वीक अगो। मैं कहता हूं कि आप करीब कर लेना, एक तो ये भी कवर हो जाएंगे, तो फिर और भी कोई, क्योंकि अगर आप होराइजन पे देखें ना, तो आपको शख्सियत खवातीन की वो एक गैलेक्सी 15 साल बियॉन्ड नजर नहीं आती। उरे उरे काफी लॉसेस हुए हैं, करीब करीब का वो को देखिए, 5 साल पे आइए। लेकिन आसमा जहांगीर उसमें आ जाएगी, आसमा जहांगीर भी आ जाएगी, ये ना आसमा जहांगीर आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, फिर फौजिया वहाब आ जाएंगी भाई। यस, हमारी आपा भाई, बट वो तो सियासत और सियासत है ना, बट वो सियासत, हाँ सियासत और आसमा जहांगीर भी फिर सियासत तो थी।
But she didn't have any political affiliation, as such. She was an activist, she was a lawyer, she was a human rights activist. कोई मशहूर शख्सियत है सर? चार सवाल हैं हमारे पास। ठीक ठाक मशहूर। पहले ये डिटरमिन कर लेंगे सोशल वर्कर हैं या नहीं। सर ये फिर एक पूरा सवाल इस पे लग जाएगा। हाँ, सोशल वर्कर लगना चाहिए ना, एक सवाल इट मेरिट्स। गो एंड जो साहब ये सोशल वर्कर हैं? नहीं नहीं, सोशल वर्कर भी नहीं है। एजुकेशन का हमने नहीं पूछा अभी। और फील्ड्स कौन कौन से? एजुकेशन रहेगी ये? नहीं सर, एजुकेशन में लाइक व्हाट? एजुकेशन में आप क्या कहना चाहते हैं? सम प्रिंसिपल? अगर प्रिंसिपल है तो मीरा फेल्बर्स से बढ़कर कौन नहीं होगी? है नंबर वन है वो, लेकिन वो उस कसौटी पे पूरी इसलिए नहीं उतरती कि मारूफ वो उस तरह की मारूफ नहीं, एक खास हलका है जिसमें वो मारूफ। एग्जैक्टली, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इवन लास्ट कसौटी जो कुरैशपुर की जो असली कसौटी थी, पहली कसौटी, असली तो नहीं कहना चाहिए, ये भी नकली नहीं है, जो पहली कसौटी थी उसमें मैंने देखा हमारा दोस्त है अलीम था ना, जो बांसुरी बजाया करता था गवर्नमेंट कॉलेज, वो मेहमान के तौर पे आया तो उसने डॉक्टर नजीर पूछा हुआ था। वो नहीं पूछ सके थे वैसे, बूझ भी नहीं सके थे। नहीं बूझ सके थे इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं था डॉक्टर नजीर। हमें बहुत पता था क्योंकि हमारे तो फिंगर टिप्स पे थे सारे प्रिंसिपल्स। जी हेल्थ की तरफ जाए, हेल्थ में मतलब कोई ऐसी खातून जो बहुत मारूफ है, जो बहुत मारूफ है, वो कोई इंटरनेशनल फेम की कोई खातून हुकूमत नहीं, जैसे ये नहीं है वो अपनी वो जो नोबेल लॉरिएट जो है मलाला एक यूएन में होती थी, नफीस सादिक, बट आई थिंक शी इज अलाइव। नफीस सादिक यूएन की पुरानी कौन? शकील साहब? नहीं मलाला, मैं कह रहा हूँ उस तरह की कोई, जैसे ना जैसे मुख्तारा माई एकदम फेम ले गई थी, इंटरनेशनल फेम ले गई थी, मलाला इंटरनेशनल फेम ले गई। ये इंटरनेशनल फेम बड़ी कमाल चीज है। उस हवाले से हमें फील्ड का नहीं अंदाजा हो रहा, तो फील्ड रह कौन सा गया है? तो ऐसे मशहूर डॉक्टर कोई नहीं है। मैं आई बीन रनिंग इट थ्रू माय माइंड, कोई रिसर्चर नहीं जहन में आ रही, कोई साइंटिस्ट नहीं जहन में आ रही, जो कोई रिसर्चर, अगर कोई मशहूर साइंटिस्ट है तो वो तो इस वक्त MIT में है, जो लड़की है कराची से। सर ये जो IT की थी अरफा करीम? यस व्हाई नॉट अरफा करीम? अरफा इज अ पॉसिबल, अरफा इज अ पॉसिबल, ये द गाय इज स्माइलिंग, द गाय इज स्माइलिंग, अरफा इज अ पॉसिबिलिटी, उसके नाम पे IT का शोभा, आईटी का शोभा। हां पूछ ले, कोई चाइल्ड प्रोडजी लाहौर में कोई इमारत इनके नाम से मंसूब है? जी सर, चम्मे आली है, चम्मे आली जोली जी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। अरे वाह, और खड़ा गया साई ऑफ रिलीफ, क्या बात है। वन ऑफ द यंगेस्ट, बिल गेट्स से मुलाकात हुई, बिल गेट्स ने सराहा था इनकी एफर्ट्स को। जी सर, आपने अरफा करीम पूछी। क्या बात है, वेरी गुड, वी हैव टू थिंक आउटसाइड। यस, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी पूछी मेरे भाई। नहीं यार, 15 बहुत कम है भाई। सर सीधे सीधे सवाल तो उसके शोबे पे लग गए। लेकिन आप ये देखिए, यही अगर सियासत और हुकूमत पे आता, अगर इनके मुंह से रिसर्च वाली बात ना आती, माइक्रोसॉफ्ट और उधर ना जाते, ये IT के वाले से MIT का जिक्र ना करते, वहां से MIT का मैंने IT चुक लिया। इसको 20 ही रखें जी, मेरा ख्याल है इसको, क्यों जी 20 सवाल होने चाहिए। ही हैड अ गुड आईडिया। मैं समझता हूं कि चैलेंजिंग होना चाहिए, 15 सवाल होने चाहिए और हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली जो है सवाल सवाल करना। सर वो तब होता है अगर आपने उसके शॉर्ट रूट्स बनाए हो, तो हमारे पास वो है नहीं। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी, कितने सवाल? 20 यू आर बैक टू 20 क्वेश्चंस। यस ओ यस, क्या जी शख्सियत इन हाउस है? जी सर इन हाउस। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, FSA इज गोइंग टू बी अ ठीक है टफ राइड, वेरी बम्पी ड्राइव। ओके, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? नहीं। यूरोप से? जी। तो गोया मेनलैंड यूरोप से? नहीं। बरतानवी है या आयरलैंड के? ग्रेवयार्ड भाई,
इंतकाल को 50 साल से ज्यादा जी 1972 से पहले अराउंड दैट पीरियड पहले ये उससे भी पीछे जाएगा अच्छा उससे भी पीछे जाएगा 150 पे जाएगा 150 से ज्यादा नहीं नहीं तो फिर ये 19th सेंचुरी ये ब्रिटिश एम्पायर ये या 100 किया जाए एज ऑफ डिस्कवरी विक्टोरियन एज नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एज ऑफ Aesthetics, age of aesthetics, romanticism. Romanticism was pehle thi. There was nothing romantic about Queen Victoria. Age of aesthetics. चर्चिल के आसपास चर्चिल हो चुका है नहीं हुआ चर्चिल डाइड इन 65 सो बिटवीन बिफोर 72 तो ये उसी में आता है फॉल करता है राइटर चर्चिल वाज आल्सो राइटर चर्चिल वाज अ ग्रेट विक्टोरियन राइटर ही गॉट अ नोबेल प्राइज लॉरिएट चर्चिल मिलिट्री में भी रहा है ना या ही वाज अ वॉर कॉरेस्पोंडेंट खैबर में भी रहा है खैबर राइफल्स मेस में वो बोयर वॉर में भी था साउथ अफ्रीका में 1899 उसने यहाँ पे कवर की थी अफगान वॉर और एक बंदा था लॉरेंस ऑफ अरेबिया टी लॉरेंस सेवन पिलर्स ऑफ विजडम टी लॉरेंस भी उसको सियासत हुकूमत में गिनेंगे हाँ हाँ गिनेंगे एंड ही डाइड इन द 1930s 35 मोटरसाइक्लिस्ट आफ्टर दरी जल्दी ही केम टू लाहौर एंड ही वाज पोस्टेड इन मिरानशाह एज अ कॉर्पोरल ही फेल इन लव विद होटल ओनर्स डॉटर बिल्कुल कश्मीरी आई नो द होल स्टोरी पार्क लग्जरी होटल नीडो अवारी है इसमें अवारी कली ने बड़ी डिटेल वो कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है जो उसने की है ना शेख अब्दुल्ला की बेगम जो थी जी जी उसके साथ तो लिंक किया उसको अच्छा जी कहानी खूब है बस चले जी हम नैरो करें इसको प्राइम मिनिस्टर हो सकता है लेकिन मिलिट्री से ताल्लुक से दोनों का कुछ लॉरेंस का भी है और उसका भी है चर्चिल भी कवर हो जाएगा और ये भी ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी गुड जबरदस्त अच्छा जी इनकी सेकंड वर्ल्ड वॉर की पूरी इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी नहीं चार पांच किताबों नहीं इट इज नॉट चर्चिल मे बी इट इज एटली हो सकता है क्लेमेंट एटली उससे पहले वो जो अपीजमेंट वाला था चेम्बरलैन के बारे में चर्चिल ने बहुत खूबसूरत बात की कहता ही इज अ शीप इन अ शीप स्किन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज नॉट चर्चिल क्लेमेंट तकसीम हिंद के वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था जी क्लेमेंट एटली वाज यस तकसीम हिंद जब वकूफ पजीर हो रही थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये थे जी क्लेमेंट एटली क्लेमेंट एटली पूछा आपने जी अरे क्लेमेंट जारो पूछा आपने भाजी तुसी तिने अमेरिका ही थिएटर करो ना बड़े लेकिन वो अंग्रेजी तुसी ओ लाफ्टर लेने ने गोरे मर जाना जी नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस मर जी जिंदा नहीं एशियाई नहीं एक मर्द जो जिंदा भी नहीं है एशियाई भी नहीं है तो फिर अमरीकी हो गया बेचारा क्या कहने जी अमरीका का जी वाह वाह क्या कहने अच्छा जी अमरीका शोबे पे आ जाए डायरेक्टली वफात पे ले आ या इराक इरा पे आ जाए क्योंकि पुराना इरा हुआ तो शोबेस ये वो पूछे जी वो नहीं रहेगा ना 100 साल से शुरू करें क्यों जी 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी लो शोबेस निकल गया ना तो 1922 पे पहुंच गए हम उससे पहले है तो अब 150 करें जी 150 से भी ज्यादा नहीं
सो अब कौन सा ईयर हुआ जी? 1872 से 1922 तक ये पीरियड है आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर. यस ठीक है ना. ये पीरियड है जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई. ये वो पीरियड है जिसमें पांच गिल्डेड एज जो पांच लोग द मेन हु बिल्ट अमेरिका ठीक है ना. हेनरी फोर्ड, जेपी मॉर्गन कार्नेगी. हाँ एंड्रू कार्नेगी. उसके बाद रॉकफेलर, जॉन रॉकफेलर एंड वैंडरबिल्ट. वैंडरबिल्ट बिग बिजनेस पे चले जाएं सर स्ट्रेट. बिग बिजनेस अच्छा जी. अगर पीरियड ये है ना हाँ. तो फिर बिग बिजनेस. बिग बिजनेस गिल्डेड एज में तो लोगों ने बहती गंगा में बड़ा हाथ धोया. इस एज पे पढ़े लिखे अमरीकी बहुत नादिम है कि हमारे फोर फादर्स ने जो पैसा इकट्ठा किया ना तो बड़े दो नंबर तरीके से. दैट स्पीक्स बिल्कुल के और नजर नहीं आता. ये मोनोपोलिस्ट थे. मोनोपोलिस्ट किसी को और सर नहीं उठाने. बिग बिजनेस में आ जाए. अब जेपी मॉर्गन ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी जितने बिजनेस है. रेलवे में उसने की हुई थी, ऑयल में, स्टील में, एनर्जी, बैंकिंग, एनर्जी. वेरी इंटरेस्टिंग है ये गिल्डेड एज पूरा चैप्टर है. बिल्कुल. फिर मक रेकर्स ने आके फिर उसके बाद मकरेकर्स आए काफी आगे चल के. उसने थियोडोर रूजवेल्ट, टेडी रूजवेल्ट ने आके मोनोपोली एक्ट किया और उसने मोनोपोलीज ब्रेकअप कर दी. मकरेकिंग की ना. फिर मकरेकिंग का आगाज इसी से हुआ. बिल्कुल. कि गोबर और गंद जो है स्टेबल साफ करने का उसको मकरेकिंग कहते हैं. अच्छा जी ये कोई बिग बिजनेस से ताल्लुक है इनका? जी यही पांच है. वैंडरबिल्ट है सर. वैंडरबिल्ट है और जेपी मॉर्गन है. ये दोनों के अलावा कोई नहीं. बाकी सारे हम कर चुके हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक है ना. इन्वेस्टमेंट बैंक पे है स्ट्रेट अवे. इनके नाम पे इन्वेस्टमेंट बैंक है जी. वाओ ग्रेट. ठीक है जी. वी हैव नैरोड इट डाउन. अच्छा जी ये बताएं सवाल कितने हुए? आठ. मॉर्गन स्ट्रेट अवे जान आठवें पे जवाब दे. दे दे जी. जेपी मॉर्गन का पूछा आपने. अरे बहुत सही. इस वक्त हुआ एक ब्रेक का. देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक. वेलकम बैक जी सर. नेक्स्ट पर्सनैलिटी जी. मर्द जी. जिंदा नहीं. एशियाई जी. ताल्लुक साउथ एशिया से. इंडिया से. बी है. बी है. अच्छा दैट गिव्स अस अ बिग क्लू. इंडिया से भी है. विच मीन्स राज पार्टीशन एंड. अच्छा जी ताल्लुक इंडिया से. नो नो नो. फिर मैं इरा पे जाना पड़ेगा. पाकिस्तान पे जाए. इरा पे. इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका? नहीं नहीं जी. 1922 से ऊपर आ जाए. 50 साल पे है. 75 पे. 75 का मतलब हुआ 1947. जाइए. 75 से ज्यादा हो चुका? नहीं. बनने के बाद सवाल हो गए. और इंडिया से ताल्लुक नहीं. ताल्लुक पाकिस्तान से जी. आप 50 वाला पूछा. वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके? नहीं नहीं. 72 के बाद. ओके अच्छा जी. अब शोबे पे जाएं जी. सीधा सीधा स्टार्ट विद शो बिजनेस. यस आई आल्सो थिंक सो. शोबिज. ताल्लुक शोबिज से है जी? नो. सियासत और हुकूमत से? कह सकते हैं. कह सकते. विच मींस कि प्योर पॉलिटिशियन नहीं. प्योर पॉलिटिशियन नहीं है. कुड बी अ स्पोर्ट्समैन पॉलिटिशियन. स्पोर्ट्समैन पॉलिटिशियन नहीं. नहीं पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है. अच्छा बहुत से स्पोर्ट्समैन CSPs भी हैं. कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन जो जो उस लेवल का स्पोर्ट्समैन हो? नेम वन. मैं बताता हूँ आपको. एक तो आप जफर अल्ताफ के अलावा कोई है? और जफर अल्ताफ ने भी सिर्फ कॉलेज लेवल. नहीं सईद अहमद भी था. सईद अहमद वाज अ DMG ऑफिसर. एक एंड अ क्रिकेटर. यूज्ड टू बैट एट नंबर 3. इम्तियाज भी था. एयरफोर्स में था और विकेट कीपर था. फजल महमूद वाज DSP आल्सो क्रिकेटर. आल्सो DSP नहीं सर. DIG रिटायर्ड. DIG एंड ही आई थिंक डाइड 10 इयर्स आप कर लेना स्पोर्ट्स की बात ही मुका लें. अच्छा जी इनका दूसरा शोभा जो है वो स्पोर्ट्स का था? नहीं नहीं. फजल महमूद भी गए. मैंने भी है तो कहा ही नहीं.
अच्छा बी है, कहा ही नहीं है जी, मैंने तो कहा था कह सकते हैं। कह सकते हैं ये मतलब कह सकते हैं क्या मतलब? हुकूमत है सर, हमारा एक सवाल जाया हो गया। वो कोई ब्यूरोक्रेट है? हाँ, ब्यूरोक्रेट है, नाम है? ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई जनरल हो सकता है, जज जर्नल अफसर, बहरहाल इसको नैरो करना चाहिए। बड़े बड़े मुख्तार मसूद टाइप के बंदे तलाश करें, ब्यूरोक्रेट जो मरूफ है, यूएन में कोई बड़ा काम किया हो कमाल। तो साहबजादा याकूब है, वो फौजी है, मिलिट्री का टच कर लें, पूछ लें। एग्जैक्टली मिलिट्री के साथ ताल्लुक है? नो नहीं, ये पक्का पुलिस वाला है या कोई डीएमजी सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट जो राइटर भी है सर, मुख्तार मसूद जैसा। पूछ ले, मैं राइटर, इज ही अ राइटर? नो नो, जुडिशरी रह गई है सिर्फ, जुडिशरी रह गई। जुडिशरी में तो सर देख, कॉर्नेलियस था, बहुत शानदार, कॉर्नेलियस हम कर चुके हैं, वी हैव डन दैट, कॉर्नेलियस कर चुके हैं, बेस्ट बंदा। जस्टिस एमआर कियानी, एमआर कियानी भी, लेकिन वो पहले फौत हुआ, लेकिन ही इज अ राइटर, अफकारे परेशान भाई, क्या किताब है, सुभान अल्लाह। आई थिंक ही डाइड इन 1960। जुडिशरी से ताल्लुक पूछा जाए, जुडिशरी में, जुडिशरी अच्छा, पीसीबी वो क्रिकेट के साथ ताल्लुक बन जाता है, पीसीबी के हेड्स रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो खालिद महमूद बहुत बीसीसीबी के बहुत उम्दा अफसर थे जो 92 का कप लेकर आए, जफर अल्ताफ भी थे, जफर अल्ताफ बहुत बड़ा आदमी था, जफर अल्ताफ अफसर भी बहुत बड़ा था, अदीब बहुत बड़ा था, मुफक्कर बहुत बड़ा था, और इंसान बहुत बड़ा, या और उसके साथ बहुत ज्यादती की थी बिल्कुल इन लोगों ने। दैट्स ट्रू, आई मेट हिम एट लीस्ट वंस। और ये पूछनी है ना डिटेल, रोफ क्लासरा, क्लासरा एग्जैक्टली, वो रोया करता है इसमें। अच्छा जी, इधर आए सर, जुडिशरी पे नैरो डाउन करें, जुडिशरी पे आ जाए। और साहब ताल्लुक जुडिशरी से? नहीं नहीं, दैट्स अ रियल सरप्राइज। अब आ जाए, सिविल सर्विस रह गई, सिविल सर्विस ही तो है, सूबे पे आए, सूबे, मैं रूट्स बताता हूँ ना आपको, आप सूबे पे आए, पंजाब से, पंजाब, और क्या है जी सिन्ने विफात 1972 के बाद, बाद ये कोई पुराना अफसर, कोई तगड़ा अफसर, एक अफसर होता था मसूद खदरपोश, मसूद खदरपोश भी था, जो मेरे अब्बा के बहुत प्यारे दोस्तों में से एक थे, ही विजिटेड अस इन ओकाड़ा, बिल्कुल फिट्स द बिल, मसूद खदरपोश, पंजाबी जबान के लिए बहुत काम किया इन्होंने जी, इन्हें मसूद भगवान कहा जाता था जी, मसूद खदरपोश। गुड शॉट शकील, थैंक यू, वेरी गुड शॉट, व्हाट अ शॉट, बैक फुट पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मसूद खदरपोश वेरी गुड, हारी हारियों की तहरीक में बड़ा रोल प्ले किया था। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अच्छा मन, हाँ जी, जिंदा, नो, एशियाई, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एशिया तो दूसरा ताल्लुक एशिया से है, दूसरा अमेरिका, बर्तानिया से होता है सर आमतौर पे, पूछ लें दूसरा था, अमेरिका से पूछें पहले, दूसरा ताल्लुक अमेरिका से जी, पीरियड भी जाएं जी, फॉरन सीधा 100 साल, यस, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है, नो, 50 साल से ज्यादा, डॉक्टर साहब, नो नो, 100 और 50 के बीच, 72 और 22, 22 और 72 के बीच। अच्छा जी, ये इनडायरेक्ट ताल्लुक किससे है? एशिया से, एशिया से, इनडायरेक्ट ताल्लुक एशिया से, डायरेक्ट ताल्लुक अमेरिका से, अब आ जाए उसके शोबे पे, नहीं एशिया, व्हाट एशिया, एशिया इनडायरेक्ट चाइना से, साउथ एशिया हो चुका सर, एशिया बस पूछा आपने, अच्छा तो वो जो इनडायरेक्ट एशिया से है वो साउथ एशिया, नो, अच्छा जी, साउथ एशिया नहीं है तो फिर चाइना, चाइना भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट हो सकता है, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में जाएं, देयर इज अ रीजन, लेट्स गो टू मिडिल, लेट्स गो टू मिडिल ईस्ट, वो दूसरा ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है, नो नो, चाइना से है, नो, रह गया पीछे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का कौन सा अमरीकी है जी, सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान हो सकता है, यस, There you go. हो सकता है ना, 72 के बाद अफगानिस्तान हो सकता है, चार्ली विल्सन हम कर चुके, चार्ली विल्सन हमने किया नहीं, लेकिन चार्ली विल्सन जिंदा है सर,
नो इज डेड इज ही हाँ चार्ली विल्सन इज डेड इनडायरेक्ट ताल्लुक है ना चार्ली विल्सन हेल्प द वॉर हाँ जी मुजाहिदीन अख्तर अब्दुलरहमान अख्तर अब्दुलरहमान आईएसआई उसका बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि उसने कहा कि जी मैं वेपन्स जो हैं वो इसराइल से सप्लाई करना चाह रहा हूँ एक फेमस वो थी एंटी एयरक्राफ्ट गन जो 40 हॉर्स कहलाती थी फोर बैरल वो गन अच्छा हाँ हाँ तो ज़ियाउल हक ने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसने कहा लेट मी आस्क गुलबुद्दीन हिकमत यार से पूछा उसने कहा डज इट किल रशियन उसने कहा यस उसने कहते देयर इज नो प्रॉब्लम अच्छा जी कांग्रेसमैन चार्ली विल्सन वाज अ कांग्रेस Yeah, I know, congressman. हमने शोभा किया डिटरमिन मिडवेस्ट नहीं मिडवेस्ट टेक्सास था क्या था टेक्सास में वो खातून थी जो उसके साथ थी उसके साथ जी जी टेक्सास की वो थी हाउस ऑफ रैप की मेंबर और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था उसका खातून का भी वो आती थी सर यहाँ पर रिफाही काम करती थी और अफगान पनागजीन जो बिल्कुल अच्छा जी 72 के बाद है और चार्ली विल्सन डाइड आई थिंक 15 ईयर्स अगो सवाल कितने हुए नाइन अफगान वॉर के साथ था सर व्हाई वुड दे आस्क चार्ली विल्सन बिकॉज दे कैन आस्क एनीबॉडी देयर इज अ मूवी ऑन हिम चार्ली विल्सन्स वॉर फिल्म बनी आई हैव रेड द बुक बुक भी है सीन द मूवी हुमायूं अख्तर गेव मी द बुक हां एंड आई बॉट द मूवी आल्सो ही इज अ वेरी शेमलेस पर्सन ही गेव यू द बुक इसमें चार्ली नहीं नहीं वो तो बड़ी प्राइड लेता है इसमें किस बात की मेरे बाप को बड़े ट्रिब्यूट उसने मेरे और उसमें उसने ट्रिब्यूट पेश किया है फिर ये कि इसमें जूलिया रॉबर्ट्स ने खातून का रोल प्ले किया है टॉम हैंक्स है भाई चार्ली विल्सन और इसमें पता ज़ियाउल हक कौन बना ओमपुरी बहुत मजे का क्या अच्छी परफॉर्मेंस जनरल हमीद गुल भी है गालबन इसमें ओमपुरी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी हालांकि हमीद गुल वाज नॉट देयर व्हेन नहीं मेंशन नहीं किया उसमें मेंशन नहीं उन्होंने किया कि हमीद गुल है सिर्फ एक सिंबॉलिक आईएसआई का हमीद गुल केम आफ्टर द रशियंस लेफ्ट लेकिन हमीद गुल वाज अ रिमार्केबल मैन वाओ अच्छा जी पूछे ना सियासत और हुकूमत पूछा अफगान वॉर से सियासत और हुकूमत से नहीं पूछा हां पूछ अच्छा जी सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है नो नो मसला ये कांग्रेसमैन निकल गया चले जी छुट्टी हो गई अब इसका ताल्लुक सेंट्रल एशिया से इट कुड बी एन एडवेंचरर कुड बी सर छोड़ दें ये अमेरिका में पहले उसकी लाइन डिटरमिन करेंगे लाइन डिटरमिन करेंगे रूट से ना हटें नहीं नहीं वरना कसौटी मुश्किल हो जाएगी नहीं हटेंगे इल्म और फजल से ताल्लुक है नो नहीं साइंस और टेक्नोलॉजी शोबिज से ताल्लुक है नहीं नहीं तो बुरी शोहरत का हामिल हो सकता है नस नसा के इधर आया वो कौन है जी फिर नस नसा के इधर आया बिजनेस का ताल्लुक हो सकता है आईटी से ताल्लुक हो सकता है इनडायरेक्ट ताल्लुक है बिल गेट्स आता रहा है उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम है पोलियो की सपोर्ट का प्रोग्राम है बुरी शोहरत का हामिल या बिल गेट्स या ऐसे ये अब दो हमारे पास रह ही दो ही गए हमने चाइना नहीं है मिडल ईस्ट नहीं है साउथ एशिया नहीं है सिर्फ सेंट्रल एशिया रहता है हमने नहीं पूछा सब कुछ नैरो कर दें वफात को 25 साल से ज्यादा हो चुके नहीं नहीं 1997 के बाद फील्ड डिटरमिन नहीं अभी तक किया नहीं फील्ड नहीं डिटरमिन की बट उसकी डेथ जो है 1997 के बाद हुई है बिजनेस रह गया स्पोर्ट्स रह गया बिजनेस तो सर इसलिए नहीं कि बिग बिजनेस जो गिल्डेड एज उसका ताल उसके बाद गिल्डेड एज नहीं अभी उसके बाद की भी जो सिलिकॉन वैली भी जो है ना वो भी हम ज्यादातर कर चुके हैं बाकी सारे जिंदा हैं स्टीव जॉब्स हो चुका बाकी सारे जिंदा कोर्ट से फिर वो रह गए तो वो अमेरिका का आपने किया है वो रियासत हायत के जितने अमेरिका हां नहीं वो तो कर चुके हैं नहीं किया हाय मुतहद्दा नहीं किया आपने हाय मुतहद्दा नहीं किया यस आई एम टेलिंग यू अच्छा जी ये है यूनाइटेड स्टेट्स ही जी एशिया के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक है इनडायरेक्ट डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है शोभा नहीं अभी तक पहुंचे
ये तो नहीं जरूरत के नेगेटिव रेपुटेशन तो नहीं बंदे वो ये इन्होंने पूछा है नेगेटिव रेपुटेशन वाला नहीं आपने नहीं पूछा नहीं पूछा नहीं पूछा आपने सवाल नहीं पूछा आपस में ही डिस्कस पर पहले सोच लेना कि कौन है नेगेटिव रेपुटेशन वाला जिसका ताल्लुक यहाँ है नेगेटिव रेपुटेशन यहाँ से भागा हो कोई चार्ल्स ओबराज टाइप कैरेक्टर एशिया से भाग के मतलब कोई बंदा जो इसका ताल्लुक यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हो ड्रग ट्रैफिकिंग में हो एशिया से साउथ ईस्ट एशिया होगा साउथ ईस्ट ऑब्वियसली साउथ ईस्ट हेरोइन ट्रायंगल जो है ना जी गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल जिसको गोल्डन ट्रायंगल ये बिल्कुल गोल्डन ट्रायंगल से अगर तो ये कोई क्रिमिनल है ना तो गोल्डन ट्रायंगल से ताल्लुक है इज ही अ क्रिमिनल जी जी वाओ अच्छा जी अब आ जाए इस पे हम तो नहीं कितने जाना भाई क्रिमिनल इनडायरेक्ट ताल्लुक जो है वो है एशिया से आई सॉ अ मूवी ऑन दिस कैरेक्टर An American with an Asian connection, the negative drug, reputation. नाम मुझे लेकिन मैंने वो drug connection ही हो सकता drug 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 sir. अब इनसे पूछना हमने चार्ल्स ओबराज भी पूछ लिया था. हाँ चार्ल्स ओबराज तो French and Vietnamese था ना. He's serial murderer. नहीं sir he's a drug dealer. Drug ज़्यादातर South American था. नहीं sir नहीं ये यहाँ से ये golden triangle से ये किया करता था. ये golden triangle का गाह था. Vietnam War. Yeah. Golden Triangle. Saigon, Cambodia. Saigon, Cambodia, Laos, Madana. Yeah, it was a thik-thak. Ghatiya aadmi tha. Thik-thak, ghatiya aadmi. Drug dealer tha. Ek to wo Denzel Washington wala tha na. Jo usne movie mein Denzel Washington ne wo role play kiya tha. Wo to American gangster. American gangster. Aur. Nahi, but he was involved with drugs. He was a अच्छा हाँ उस वक्त मैंने असल में देखी नहीं वो बर्मा में आता है बर्मा में आता है ये भी अफ्रीकन अमेरिकन ही है ये बंदा जो है ना अफ्रीकन क्या है उसका मैंने वो अमेरिकन गैंगस्टर नहीं देखी लेकिन इस पे एक और फिल्म थी क्या पूछे क्या अफ्रीकन अमेरिकन तो डेफिनेटली अफ्रीकन अमेरिकन है हाउ डू वी नो मेरे जहन में जो फिल्म आ रही है ना वो ये वाली मेरे जहन में भी वही आ रही है डेंजल वॉशिंगटन ने वो रोल प्ले किया है और वो बर्मा आता है टू डू अ ड्रग डील हालांकि डेंजल वॉशिंगटन एक खुश शक्ल आदमी ये तो बड़ा ड्रग डील करने आदमी ही था इसके ऊपर एक फिल्म थी पता नहीं जैसे अनटचेबल्स है ना वो एक और नाम है समथिंग अनटचेबल्स अनटचेबल्स तो थी ना उसके ऊपर अल कैपोन पे थी केविन कॉस्टनर की केविन कॉस्टनर शॉन कॉनरी एंड ऑफ कोर्स द बॉस रॉबर्ट डी नीरो बहुत अच्छी फिल्म है सर बहुत अच्छी लेकिन ये फिल्म तो माठी थी ये जो दूसरी अनटचेबल अनफॉरगिवन नहीं अनटचेबल अनफॉरगिवन तो वेस्टर्न थी अनफॉरगिवन और थी ये अनटचेबल्स के साथ कोई फजूल सा एक नाम था मैं मुझसे पूरी देखी भी नहीं गई थी दैट इज परहैप्स द रीजन आई डोंट रिमेंबर द नेम ओके नेम ऑफ दिस ड्रग डीलर क्वेश्चंस कितने हुए 15 क्वेश्चन अफ्रीकन अमेरिकन पूछ ले इज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन जी न्यूयॉर्क में वो ना किसी नॉवलिस्ट का नाम है जो है ना मुझे नॉवलिस्ट का हाँ एक नॉवलिस्ट का नाम है जो इसका नाम एक एक्टर का नाम है जो इसके नाम में है बाय एसोसिएटिंग इट यस मैसी होता यस 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 निमोनिक होता है ना वो जी बिल्कुल निमोनिक ही तरीका ही है ये वरना सर हाँ निमोनिक के बगैर नहीं होता सवाल ही पैदा नहीं होता एक एक्टर बड़ा एक्टर है बहुत बड़ा एक्टर जॉर्ज एक वो है ना उसके नाम का स्कॉट है एक तो स्कॉट है जॉर्ज सी स्कॉट है नहीं सर जॉर्ज नहीं है जॉर्ज नहीं है माइकल नहीं है माइकल नहीं है स्टीफन नहीं है स्टीफन नहीं है रॉक भी नहीं है तो हडसन भी नहीं है रॉबर्ट डुवाल है रॉबर्ट डुवाल वाह गॉडफादर एंड एपोकलिप्स नाउ किसी एपिक मूवी में कोई एपिकर था कोई वेरी फेमस एडवेंचर मूवी जिसका हीरो जो था अच्छा उसके नाम पे ये नाम है इस क्रिमिनल का और एक नाम इसका एक नॉवलिस्ट का नाम एक तो वो है ना एडवेंचर की अगर आप बात कर रहे हैं वो एक तो वो है जिसमें देयर इज अ किडनैपिंग वो एस्केप मूवीज में एस्केप मूवी एक
फ्रैंक लुकस बहुत अच्छा रहा ये, अच्छा, अच्छी पर्सनालिटी थी, इंटरेस्टिंग थी, चैलेंजिंग थी। ये थी आज के एपिसोड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।